फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अंजलिस क्रिएशंस में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी की सब्जी, बहुत अलग स्टाइल में, थोड़ी अलग है, आप जरूर ट्राई कीजिए। एक जैसी सब्जी खा के हम कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो लगता है कुछ अलग चटपटा खाएं। और अभी तो ये लॉकडाउन पीरियड है, बाहर तो हम जा नहीं सकते हैं, घर में ही बनाना है, तो अलग अलग वैरायटी की चीजें ट्राई करेंगे तो मजा आएगा। तो सब रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत मिले। सबसे पहले हम गोभी को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर पूरा पानी इसका निकाल लेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है, तेल डाल दिया हमने, अब हम इसमें राई डाल देंगे। राई हमारी हो गई है, हम इसमें थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम, और इसी के साथ हम गोभी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक के पानी में भिगाई थी इसलिए नमक थोड़ा हम कम ही डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम 1 कप धनिया ले लेंगे, 1/2 कप नारियल का बूरा, डेसिकेटेड कोकोनट, 3 से 4 हरी मिर्च, इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती है, तो आपको हरी मिर्च जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले लीजिए, और लहसुन थोड़ा ज्यादा पड़ेगा इसमें। तो अब इन सब सामग्री को हम एक साथ मिक्सर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, क्योंकि बगैर हल्दी के नॉर्मली सब्जी बनती नहीं है। अब ये देखिए, ये मसाला हमने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं करेंगे और पानी बगैर डाले पीसना है हमें। तो अब ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। तो हम इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इस पर ढक्कन नहीं रखना है। गोभी को हमने बहुत ज्यादा पकाया नहीं था, थोड़ा सा कसर रह गई थी, क्योंकि अब मसाले के साथ फिर से गोभी पकेगी, तो ज्यादा पक जाएगी तो फिर टूट जाती है गोभी एकदम। इसको ऐसे ही स्लो आंच पे 5 मिनट और अपन होने देंगे। तो ये सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, हम गैस बंद कर देंगे। कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, तो आप जरूर ये सब्जी ट्राई कीजिए, और आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।